अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आम की चाशनी बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा जीरा। ये जीरा है, ढेर सारा जीरा। इसे क्रैकर कर लेते हैं तेल में और इसमें सौंफ ऐड करेंगे, थोड़ा सा सौंफ। ये सौंफ है, थोड़ा सा मंगरेला, कलौंजी भी बोलते हैं, काला मंगरेला यानी कलौंजी। जब सब कुछ अच्छे से क्रैकल हो जाए उसमें हम आम ऐड करेंगे, कच्चा आम। ये है कच्ची आम कैरी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम मीठे आम की चाशनी बना रहे हैं, गुड़ वाली चाशनी। यहाँ आम को हम ढक के थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे, आम अपना पानी थोड़ा रिलीज करेगा। और इसमें हम ऐड करते हैं अब चाशनी, इसका सीरा तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने लिया है छोटा सा पैन, सॉस पैन। हम इसमें हाफ ग्लास पानी ऐड करेंगे, आधा ग्लास पानी ऐड किया। इसमें मैंने चार भून लिया है, ये देसी गुड़ है, इसे ऐड कर लेंगे। और इसका सीरा बना लेंगे थोड़ा, यानी इसको जो भी इम्प्योरिटीज है इसके अंदर, जो भी इसको हम निकाल लेंगे। कभी केदार ऐसा होता है ना, कभी बहुत ही किरकिर मुँह पे आता है पानी जैसा, तो इसीलिए हम इसे छान के लेंगे। इस तरह से बॉईल कर लेंगे और इसे छान के लेंगे। कभी कभी क्या होता है, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ यानी किरकिराहट सी होती है मुँह में, बिल्कुल नहीं लगेगा इस तरीके से। ये मेथड करने से बिल्कुल भी मुँह पर नहीं आएगा कोई भी किरकिरापन। ये देखिए, आम में मैंने बिल्कुल पानी नहीं दिया है, आम बिल्कुल ऐसे ही गल गया है। अब हम इसमें चाशनी डालेंगे, ये जो मैंने रखा है इसे हम ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। ये वही चाशनी है, गुड़ की चाशनी, इसे हम ऐड कर देंगे। ये देखिए कितनी सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, देखिए सारी गंदगी बाहर आ जाती है इस तरीके से। आप भी यही ट्रिक अब देखिए। अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे इसी तरीके से। ये देखिए आम हमारा बिल्कुल अच्छे से गल भी चुका है और इसे हम इसी तरीके से पकाएंगे, थोड़ा गाढ़ा करेंगे। ये बहुत ही पतला है अभी, इसमें मैंने सारे गुड़ की चाशनी को ऐड कर दिया है। इसे हम खोल से हम ऐसे खोल के ही बनाएंगे ताकि सारा पानी जो भी है इसमें वो वेपर हो जाए, थोड़ा ठीक हो जाए हमारा चाशनी जो है, थोड़ा ठीक बन जाए। यहाँ मैं इसमें थोड़ा सा चीनी भी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा चीनी ऐड किया है। और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा तीखे के लिए थोड़ी सी लाल मिर्च, ये लाल मिर्च है, और एक चम्मच जीरा और गोल मिर्च का पाउडर है, काली मिर्च और जीरा। इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच धनिया, एक चम्मच धनिया, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा चटपटा लगेगा खाने में, चटपटा चाशनी। दोस्तों ये देखिए हमारी चाशनी बन गई है। ये एक ट्रेडिशनल डिश है जो मेरी नानी दादी मेरी मम्मी बनाती थी, उसी तरीके से मैंने भी आज ये चाशनी बनाया है। आप इसे देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से होनी चाहिए। ये देखिए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, इसे आप रोटी के साथ चावल के साथ खाएं, खट्टा मीठा सा लगता है ज़्यादा, बहुत ही मज़ा आता है। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।